प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर निकल चुके हैं। वो थोड़ी ही देर में अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी अमेरिका जाने से पहले उन्होंने कांग्रेस को थैंक यू कहा। उन्होंने कांग्रेस को क्यों थैंक यू कहा और अमेरिका जाने से पहले ही किस बात के लिए उन्होंने कांग्रेस को थैंक यू कहा, जबकि देखा जाए तो कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमला करती रहती है और हमला कांग्रेस भी करती है। वार पलटवार का दोनों के बीच सिलसिला चलता रहता है कि दोनों, क्योंकि दोनों जो है विपक्षी पार्टियां हैं, एक पक्ष में है, एक सत्ता में है और दूसरी विपक्ष में है, इसलिए राजनीति में ऐसा होना आम बात है। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को थैंक यू क्यों कहा, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। अपनी अमेरिका यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने ट्वीट करके यूएस कांग्रेस के सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। यानी कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो भारत में है, जो विपक्ष में बैठी है, ये अमेरिका की कांग्रेस है जो पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रही है, पीएम मोदी का शानदार स्वागत के लिए वहां पर तैयारियां कर चुकी है। इस कांग्रेस को पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने धन्यवाद करते हुए आगे और क्या कुछ कहा, ये बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के सदस्यों, विचारक और अन्य लोग मेरी आगामी यूएस यात्रा को लेकर अपना उत्साह साझा कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा, इस तरह का उत्साह भारत अमेरिका के संबंधों की गहराई की तरफ इशारा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग अमेरिका की उनकी आगामी यात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं और इस तरह का समर्थन भारत अमेरिका संबंधों की गहराई दिखाता है। मोदी ने अमेरिका में भारतीय दूतावास के ट्विटर अकाउंट को टैग किया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, व्यापारिक नेताओं, भारतीय अमेरिकी सहित कई लोगों के वीडियो हैं। इसमें वो प्रधानमंत्री की यात्रा पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी 21 जून से शुरू होने वाली अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और न्यूयॉर्क में योगा दिवस कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कई बड़े मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी अमेरिका गए हैं जिस बात को लेकर चीन और पाकिस्तान की आंखें जल रही होंगी, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।